हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टर के बारे में। एंट्रेंस एग्जाम डेट, लास्ट डेट कब है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ड्यूरेशन, टाइमिंग एंड ऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। AMU का प्रोस्पेक्टर डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना होगा। सबसे पहले हमें गूगल पे आना है और गूगल पर टाइप करना है amucontrollerexam.com। जैसे ही आप ये टाइप करोगे उसके बाद एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे आपके सामने इस तरह की डिस्प्ले ओपन हो जाएगी और जैसे ही आप कर्सर से नीचे करोगे यहाँ पे लिखा होगा एडमिशन गाइड टू एडमिशन 2021-2022 एडमिशन फॉर्म फॉर वेरियस कोर्स आर इज अवेलेबल नाउ। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। जनरल एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म गाइड टू एडमिशन 2021-2022। अगर आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है इस पे क्लिक करिए। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो इस पे क्लिक करिए। जैसे हम आपको पहले प्रोस्पेक्टस दिखा देते हैं तो आपके सामने प्रोस्पेक्टस डाउनलोड होकर आ गए हैं। गाइड टू एडमिशन 2021-2022 AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये प्रोस्पेक्टस है। सबसे पहले आपको बताते चलू कि हर कोर्स की जो है एप्लीकेशन फॉर्म डेट जो है अलग अलग है, यानी डिफरेंट है। समरी ऑफ द कोर्स स्टडी विद देयर एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल फ्रॉम हैंडलिंग ऑफिस फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ साइंस। यहाँ पे आपको कोर्स नेम दे दे, यहाँ पे कोर्स ई कोड दे दिया, उसके बाद प्रोसेसिंग चार्ज आपका जो फी चार्ज रहने वाला एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे आपको दे दिया। एडमिशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे आपको वो डेट दे दी है, वो डेट यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है और विद लेट फी डेट जो है यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है। आपको जो लेट फी चार्ज होगा 300 रुपीज जो है लेट फी चार्ज होगा। बीएससी ऑनर्स ओम साइंस के जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 11 जून 2021, जिसमें के लास्ट डेट जो है 15 जुलाई 2021 रहने वाली है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 17 जून 2021 से, जिसमें के विद लेट फी जो है 21 जुलाई 2021 रहने वाली है। एमएससी एग्रीकल्चर के जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 22 जून 2021 को फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है कोर्स नेम दे दिया, जोन से भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो चेक कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट के कोर्स दे दिए, उसके बाद यहाँ पे आपको फी चार्ज दे दिया। फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं 11 जून 2021 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें कि 8 जुलाई 2021 जो है विदाउट ले फी चार्ज है, उसके बाद अगर विद चार्ज 300 रुपीज रहने वाला है। यहाँ पे मास्टर एप्लीकेशन के कोर्स दे दिए फारसी एंड संस्कृति, आपके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 22 जून 2021 को फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो चार्ज है वो 550 रुपए रहने वाला है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के यहाँ पे आपको कोर्स दे दिए, यहाँ पे आपको चार्ज दे दिया, उसके बाद 11 जून 2021 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट जो है 15 जुलाई 2021 है। हर कोर्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म जो है डेट अलग अलग है, आप इसमें चेक कर सकते हो। हम आपको हर कोर्स के दिखाएंगे। फैकल्टी ऑफ इंजीनियर बीटेक केमिकल इंजीनियर बीटेक सिविल इंजीनियर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, आपको यहाँ पे ब्रांच दे दिए, उसके बाद यहाँ पे फी चार्ज दे दिया। आपके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 17 जून 2021, यहाँ पे आपको डेट मेंशन कर दी है। उसके बाद जितने भी सारे कोर्स हैं यहाँ पे एमटेक के जो कोर्स हैं यहाँ पे एमटेक के कोर्स दे दिए, उसके बाद फॉर्म स्टेट 17 जून 2021 को स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें यहाँ लास्ट डेट मेंशन कर दी गई है। नेम ऑफ कोर्स एमटेक मैकेनिकल इंजीनियर, यहाँ कोर्स नेम दे दिया है, उसके बाद यहाँ पे आपको फी चार्ज दे दी है। मैक्सिमम फी चार्ज जो है सभी कोर्स की सेम है। उसके बाद यहाँ पे 22 जून 2021 को फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे लास्ट डेट मेंशन कर दी गई है। डोमेन सिविल इंजीनियर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियर यानी डिप्लोमा कोर्स की जो है फी चार्ज जो है 550 रहने वाला है। उसके बाद 13 जून 2021 को फॉर्म स्टार्ट होगी है, 17 जुलाई 2021 फॉर्म लास्ट डेट है। एडवांस डिप्लोमा इन फूड टेक्निकल इंजीनियर की जो फी है वो आपकी 550 ही रहेगी। उसके बाद 22 जून को फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आपको कोर्स नेम मेंशन कर दिया, यहाँ पे आपको फी जो है फी चार्ज मेंशन कर दिया, यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया। आप जून से कोर्स में फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आप चेक कर सकते हो। हम आपको ऑल कोर्स की इन्फॉर्मेशन बताएंगे। फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडी यानी जो इंटरनेशनल कोर्स है बीए ऑनर्स एंड चाइनीज फ्रेंच एंड जर्मन जो आपके कोर्स रहने वाले, उनकी फी जो है 550 है, जिसमें के फॉर्म स्टार्ट जो है 22 जून को फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट डेट जो 27 जुलाई 2021 लास्ट डेट है। यहाँ पे आपको फैकल्टी लॉ के कोर्स दे दी, यहाँ पे आपको कोर्स दे दी, आपकी जो फी रहने वाली है 750 फी रहने वाली है 17 जून 2021
2021 को फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं फैकल्टी ऑफ लाइफ ऑफ साइंस, जो आपके साइंस के कोर्स है। यहाँ पे एप्लीकेशन फी मेंशन कर दी है और यहाँ पे आपको सारी डेट मेंशन कर दी गई है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड रिसर्च के जो कोर्स है यहाँ पे आपको दे दिए हैं, उनकी जो फी रहने वाली 750 रहने वाली है। फॉर्म जो स्टार्ट है 15 जून 2021 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन जो डॉक्टर के कोर्स रहने वाले हैं यहाँ पे मेंशन कर दिए, उनकी जो फी है 550 रहने वाली है। 22 जून को फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। प्रो नीट यूजी जो आप मेडिसिन कोर्स में एडमिशन होगा, आपके नीट के थ्रू एडमिशन होगा, आपके पास नीट का एप्लीकेशन होना चाहिए, जब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। नेम ऑफ द कोर्स, यहाँ पे आपको सारे मेडिसिन जितने भी कोर्स है यहाँ पे कोर्स मेंशन कर दिए। यहाँ पे आपको फी चार्ज यानी 550 आपका फी चार्ज रहने वाला है। फॉर्म ओपनिंग डेट, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 17 जून 2021 से स्टार्ट हो रहे हैं, 21 जुलाई 2021 लास्ट डेट है। इन कोर्स में आपका जो एडमिशन होगा नेट के थ्रू होगा। यहाँ पे आपको कोर्स नेम मेंशन कर दिए हैं, उसके बाद फी चार्ज जो रहने वाली है 550 ऊपर आपको दिखा दी थी, आपको यहाँ पे डेट मेंशन कर दी गई है। फैकल्टी ऑफ साइंस यानी साइंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोर्स दे दिए, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपकी जो फी रहने वाली है 550 है। फॉर्म स्टार्ट 11 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट एमसीए एमएससी की यहाँ पे फी मेंशन कर दी, यहाँ पे डेट मेंशन कर दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे नेम ऑफ कोर्स दे, आप जो से भी कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हो यहाँ से आप फी चार्ज देख सकते हो, लास्ट डेट देख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे वो देख सकते हो। लेट फी 300 रुपीज चार्ज रहने वाला है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस यानी सोशल साइंस के यहाँ पे आपको कोर्स दे दिए, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स एजुकेशन, यहाँ पे आपको जो फी रहने वाली है 550, यहाँ पे एप्लीकेशन मेंशन कर दी गई है और यहाँ पे लास्ट डेट मेंशन कर दी गई है। आपको यहाँ पे कोर्स नेम दे दिया है। नेम ऑफ द कोर्स, एमए इस्लामिक स्टडी एंड एमए पॉलिटिकल साइंस, आपके जो मास्टर एप्लीकेशन के कोर्स दे दिए, यहाँ पे आपको फी चार्ज दे दिए और फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे आपको डेट मेंशन कर दी गई है। उसके बाद आपकी विदाउट लेट फी है 20 जुलाई 2021 लास्ट डेट है। फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी के यहाँ पे आपको कोर्स मेंशन कर दिए गए, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी मेंशन कर दी, यहाँ पे डेट मेंशन कर दी गई है। फैकल्टी ऑफ यूनियन मेडिसिन की यहाँ पे आपको कोर्स मेंशन कर दिए, यहाँ पे डेट मेंशन कर दी, यहाँ पे एप्लीकेशन फी मेंशन कर दी गई है। सेंटर ऑफ प्रोफेशनल कोर्स, यहाँ पे आपको सेंटर प्रोफेशनल कोर्स मेंशन कर दी, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी मेंशन कर दी, यहाँ पे आपको डेट मेंशन कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स आता है डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पे आपको कोर्स मेंशन कर दिए, उसके बाद फी चार्ज रहने वाली 550 रहने वाली और एप्लीकेशन 22 जून 2021 को फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। मैक्सिमम देखे जाए तो फॉर्म 22 जून 2021 को ही स्टार्ट होंगे और लास्ट 27 जुलाई 2021 लास्ट डेट होगी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे आपको स्कूल की कोर्स मेंशन कर दिए, उसके बाद एप्लीकेशन फी मेंशन कर दी गई जिसमें 650 रहने वाली है और 13 जून 2021 को फॉर्म स्टार्ट हो गए, 17 जुलाई 2021 लास्ट डेट है। यहाँ पे आपको कोर्स नेम दे दिए, यहाँ पे आप जोन से भी कोर्स में फॉर्म फिल करना चाहते हो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रिसर्च और प्रोग्राम, जो आपके रिसर्च पीएचडी के प्रोग्राम रहने वाले उनकी फी जो है 750 है। फॉर्म जो है मैं डेट मेंशन नहीं करी है। फैकल्टी ऑफ आर्ट पीएचडी के जो फॉर्म है उनकी डेट जो है अभी मेंशन नहीं करी है। जितने भी पीएचडी के कोर्स हैं उनकी डेट जो है अभी मेंशन नहीं करी है। ये सारे पीएचडी के कोर्स हैं। पार्ट टाइम ऑफ कोर्स फैकल्टी ऑफ आर्ट पार्ट टाइम कोर्स जो रहने वाले हैं उनकी डेट भी निकल चुकी है। यहाँ पे आपको कोर्स नेम मेंशन कर दिया है, 23 सितंबर 2021 को फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके बाद लास्ट डेट जो होगी 6 नवंबर 2021 होगी। नेक्स्ट आता है आपका टेस्ट सेंटर, आपके जो एंट्रेंस एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं उसकी यहाँ पे आपको टेबल दे दी है। यहाँ पे जो कोर्स स्टडी यानी जिन कोर्स के सेंटर रहने वाले हैं यहाँ पे आपको कोर्स मेंशन कर दिए, उसके बाद अवेलेबल एडमिशन टेस्ट सेंटर यहाँ पे आपको जो है स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट जो है मेंशन कर दिए हैं। बीटेक एंड बीआर कैंडिडेट के जो सेंटर रहेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, पहला सेंटर अलीगढ़, दूसरा लखनऊ, पटना एंड श्रीनगर एंड कोलकाता, ये बीटेक एंड बीआर के यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होंगे। डिप्लोमा इन इंजीनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के जो एंट्रेंस सेंटर है यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए हैं। बीए एलएलबी बीएड एंड एमबीए के जो कोर्स के सेंटर रहने वाले हैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए हैं, उसके बाद बीए ऑनर्स बीएससी ऑनर्स
ऑनर्स एंड बी ए कॉम के जो सेंटर है वो सेंटर आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, और अदर कोर्स के जो सेंटर है वो आपके अलीगढ़ ही रहेंगे। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड रोल द पार्टनिंग टू एडमिशन फॉर द सेक्शन 2021-2022 आर गिवन टू बिलो एंड द पार्ट एंड गाइड एडमिशन विच कैन बी सीन द डाउनलोड फ्रॉम द कंट्रोलर ऑफिस वेबसाइट। ये आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाकर आप प्रोस्पेक्टर एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। डॉक्यूमेंट टू अपलोड ऑफ द कैंडिडेट, जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी कैंडिडेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेंशन कर दिए। स्कैन ऑफ द कॉपी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, लास्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। स्कैन ऑफ कॉपी डॉक्यूमेंट सपोर्ट फॉर क्लेम अंडर द स्पेशल, अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए अगर आप एमटेक में फॉर्म फिल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन दे दिए। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बैचलर्स डिग्री ऑफ कोर्स, यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री कोर्स दे दिए। यहाँ पे आपको कोर्स नेम मेंशन कर दिया, यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दे दिया यानी कि 6 सेमेस्टर रहने वाले हैं। कोर्स कोड यहाँ पे आपको दे दिया। मेल यहाँ पे आपको सीट मेंशन कर दी जिसमें फीमेल की सीट जो है 30 रहेगी। क्वालिफाई एग्जामिनेशन, आपके पास जो क्वालिफाई डिग्री होनी चाहिए वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होनी चाहिए और लास्ट ईयर में 55% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड होम साइंस आपके पास जो है 12th में ये सब्जेक्ट होने चाहिए, वही फॉर्म फिल कर सकता है। आपकी एज लिमिट जो है 24 ईयर से मोर देन नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका थ्रू द एडमिशन टेस्ट के थ्रू आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। टेस्ट पेपर ऑफ डिटेल आपका जो यहाँ पे सिलेबस है, आपको यहाँ पे सिलेबस दे दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के जिसमें इंग्लिश के 25 आएंगे, केमिस्ट्री के 25 मार्क्स होंगे, फिजिक्स के 25 होंगे, मैथमेटिक्स के 25 होंगे, बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन होंगे, होम साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे। टेस्ट सेंटर आपका जो टेस्ट सेंटर रहने वाले हैं यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दे दिए, यहाँ पे आपको कोर्स नेम, आपको सीट मेंशन कर दिया। क्वालिफाई एग्जामिनेशन, आपको जो क्वालिफाई डिग्री चाहिए यहाँ पे मेंशन कर दिया। आपकी एज जो है 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस आपका थ्रू ऑफ द एडमिशन टेस्ट के आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ आपको जो है सिलेबस मेंशन कर दिया है, यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर मेंशन कर दिया जो आपका सेंटर है अलीगढ़ ही रहेगा। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपकी जो फी है यहाँ पे आपको फी मेंशन कर दिया। मास्टर डिग्री ऑफ कोर्स एमएससी एग्रीकल्चर, आप जिस कोर्स में भी फॉर्म फिल कर रहे हो उस कोर्स का ड्यूरेशन, कोर्स कोड एंड इनटेक एंड क्वालिफाई एग्जामिनेशन, आपको जो डिग्री चाहिए क्वालिफाइंग फॉर्म फिल करने के लिए, एज लिमिट एंड सिलेक्शन प्रोसेस एंड टेस्ट पेपर डिटेल एंड टेस्ट सेंटर, आपको ऑल इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप जिसमें भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है, एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है, एमबीए एग्री बिजनेस की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं।
और प्लीज अगर आप चाहते हैं कि JNU, AMU एंड जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड यू की ऑल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, फ्रेंड को। थैंक यू।